हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आई एम डेजी मैम। आज हम आपको आई टू एल कम्प्लीट करवाएंगे। तो मेरी एक बार पेरेंट्स से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को घर पर उसी स्तर से देखिए जिस स्तर से हम आपको बताते हैं, वैसा ही आप उसको रिवाइज करवाएं। ओके बच्चों, पहले हम आपको पिक्चर से सीन करवाएंगे। देखिए ये किसका डायग्राम है, ये है इंक पॉट का। किससे स्टार्ट होती है, आई से। तो इधर बना है कैपिटल आई और इधर है स्मॉल आई। तो हम बोलेंगे आई फॉर इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स द बात। फिर से अब हम इसी के साथ साथ इसकी मीनिंग को भी दोहराएंगे। आई एन के पी ओ टी इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स द बात। फिर से एक बार बोलेंगे आई फॉर इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स द बात। आई एन के पी ओ टी इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स द बात। चलिए अब बताइए कि ये पिक्चर किसकी है। ये पिक्चर है जग की। तो जग हमारा किससे स्टार्ट होता है, जे से। तो इधर बना है कैपिटल जे और इधर है स्मॉल जे। तो हम दोहराएंगे जे फॉर जग। जग मीन्स जग। इसी के साथ साथ हम इसकी स्पेलिंग को भी दोहराएंगे। जे यू जी जग। जग मीन्स जग। जे फॉर जग। जग मीन्स जग। जे यू जी जग। जग मीन्स जग। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए जे फॉर जग। जग मीन्स जग। जे यू जी जग। जग मीन्स जग। चलिए अब आप बताइए ये किसकी पिक्चर है। ये पिक्चर है काइट की। आपने अपनी छत पर जाकर देखा होगा काइट। अगर आपको दिखाई दे तो आप ये नहीं बोलेंगे पतंग है, आप बोलेंगे काइट। तो काइट हमारी किससे स्टार्ट होती है, के से। तो इधर बना है कैपिटल के और इधर बना है स्मॉल के। तो हम बोलेंगे के फॉर काइट। काइट मीन्स पतंग। इसके साथ साथ इसकी मीनिंग को भी दोहराएंगे के आई टी ई काइट। काइट मीन्स पतंग। K for kite, kite means पतंग। K I T E kite, kite means पतंग। चलिए अब हमारा है नेक्स्ट, ये किसकी पिक्चर बनी है, लॉयन की। तो लॉयन मीन्स क्या होता है, शेर। तो लॉयन किससे स्टार्ट होता है, एल से। तो बोलेंगे ये है कैपिटल एल और ये है स्मॉल एल। तो बोलेंगे L फॉर लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। फिर से बोलेंगे L फॉर लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। इसकी मीनिंग को भी दोहराएंगे L I O N लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। L I O N लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। L फॉर लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। चलिए अब हम आपको क्लास में लेके चलते हैं। हमने अभी आपको बताया था, आज हम आपको आई टू एल कम्प्लीट करवाएंगे। तो चलते हैं। ये क्या बना है, आई। आई फॉर इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स दवात। इसको हम स्याही की दवात बोलेंगे। तो आई फॉर इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स दवात। इसके साथ साथ इसकी मीनिंग को भी दोहराएंगे आई एन के पी ओ टी इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स द बात। फिर से दोहराएंगे आई एन के पी ओ टी इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स द बात। अब देख लीजिए, अब लिखा है जे। तो जे फॉर जग। जग मीन्स जग। जे फॉर जग। जग मीन्स जग। इसके साथ साथ इसकी मीनिंग को भी दोहराएंगे जे यू जी जग। जग मीन्स जग। जे यू जी जग। जग मीन्स जग। अब नेक्स्ट है के। के मीन्स क्या होता है, के फॉर काइट होती है। के फॉर काइट। काइट मीन्स पतंग। के फॉर काइट। काइट मीन्स पतंग। K I T E काइट। काइट मीन्स पतंग। K I T E काइट। काइट मीन्स
पतंग। अब नेक्स्ट है एल। एल फॉर लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। एल फॉर लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। इसके साथ साथ इसकी मीनिंग को भी दोहराएंगे। एल आई ओ एन, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। एल आई ओ एन, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। आइए अब हम इसको रिवाइज करते हैं। तो आई फॉर इंकपॉट, इंकपॉट मीन्स स्याही की दवात। आई फॉर इंकपॉट, इंकपॉट मीन्स स्याही की दवात। आई फॉर इंकपॉट, इंकपॉट मीन्स स्याही की दवात। अब हम इसके साथ साथ इसकी मीनिंग को भी दोहराएंगे। आई एन के पी ओ टी, इंकपॉट, इंकपॉट मीन्स स्याही की दवात। आई एन के पी ओ टी, इंकपॉट, इंकपॉट मीन्स स्याही की दवात। जे फॉर जग, जग मीन्स जग। जे फॉर जग, जग मीन्स जग। जे फॉर जग, जग मीन्स जग। जे यू जी जग, जग मीन्स जग। जे यू जी जग, जग मीन्स जग। अब के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। के आई टी ई काइट, काइट मीन्स पतंग। के आई टी ई काइट, काइट मीन्स पतंग। एल फॉर लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। एल फॉर लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। एल फॉर लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। एल आई ओ एन लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। एल आई ओ एन लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। चलिए अब आप इसको घर पे बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए और लिखने की कोशिश करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।